चालाक चोर। बॉल पास करो चुलबुल जल्दी। ये लो संभालो, अब देखो विटामिन ए का कमाल। और ये है इलेक्ट्रिक पावर का कमाल। किधर से आया और मारे ही कंधे से टकराया? तेरा हेलीकॉप्टर ना बना दिया तो मारा नाम भी पद्दू पहलवान हरियाणा वाले ना समझा? तेरा ही कंधा मिला था कैसे को? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अंकल, आपको उस पहलवान के ऊपर ऐसे नहीं कूदना चाहिए था। ये बता कि मुझे फुटबॉल किसने मारा था? मैंने आज उसकी टांग ही तोड़ देनी है। बता किसने मारा था मुझे फुटबॉल? कितो गया ये? बड़े दुख की बात है, हमारे स्कूल में कोई चोर मौजूद है जो रोज स्टूडेंट्स के बैग से उनके बुक्स, पेन, उनके टिफिन्स और टीचर्स के पर्स से उनके पैसे, उनके मोबाइल्स और भी कीमती चीजें चुरा रहा है। और इस बात से सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं। हमने चोर को पकड़ने की काफी कोशिश की लेकिन चोर इतना चालाक है कि अभी तक हम उसे पकड़ नहीं पाए। अगर पुलिस में खबर की तो हमारे स्कूल का नाम खराब होगा, क्या करें? सर, मैं चोर को पकड़ूंगा और वो भी सिर्फ दो दिनों में। लेकिन तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो कि जिस चोर को पकड़ने में सारे टीचर्स नाकामयाब हो गए तुम उसे सिर्फ दो दिन में पकड़ लोगे? क्योंकि सर, जहाँ तक मैं सोचता हूँ वहाँ तक वो चोर नहीं सोच सकता। थिंक पॉजिटिव, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सर, अगर वीर इतना कॉन्फिडेंस दिखा सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं भी पकड़ूंगा चोर को। सर, मुझे भी बहुत नॉलेज है चोर पकड़ने का। मैंने बहुत सारी जासूसी कॉमिक्स पढ़ी हैं, जैसे कि जेम्स बॉन्ड, बाकेलाल, जासूस विजय वगैरह वगैरह। ओके, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। मैं तुम दोनों को दो दिन का टाइम देता हूँ। अगर तुमने दो दिनों में चोर को पकड़ लिया तो ठीक, वरना फिर हम स्कूल स्टाफ की तरफ से कोई ठोस कदम उठाएंगे। वीर, तुमने ये काम अपने सर पर लेकर गड़बड़ कर दिया है। जिस चोर को हमारे स्कूल के चंट, चपल और चालाक टीचर्स भी नहीं पकड़ पाए, तुम उसे कैसे पकड़ोगे? अपने हाथों से, और कैसे? थिंक पॉजिटिव, एवरीथिंग इज पॉसिबल। वाह वीर, तुम्हारे बात से अभी मेरे दिमाग की बत्ती जली। चोर को पकड़ना तो बहुत आसान है। कैसे? मैंने सुना है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, बस हमें ये चेक करना है कि यहाँ किसके दाढ़ी में तिनका है। जिसकी दाढ़ी में तिनका वही चोर। और अगर चोर की दाढ़ी नहीं हुई तो? तो तब तक इंतजार करेंगे जब तक चोर की दाढ़ी नहीं आ जाती। लेकिन हमारे पास इंतजार करने के लिए टाइम कहाँ है? और जब टाइम कम हो तो वो काम करना चाहिए जो चुटकी बजाते ही हो जाए। बुलाओ जिंटू को, चुटकी बजाते ही आ जाएगा और एक सेकंड में चुटकी बजाते ही पकड़ लेगा चोर को। मैं हूँ जिन। निकलो यहाँ से। कहो वीर, ऐसा कौन सा मुश्किल काम है जिसके लिए तुमने मुझे याद किया? जिंटू, हमारे स्कूल में कोई चोर आ गया है जो स्टूडेंट्स और टीचर्स की सामान की चोरी कर रहा है। जाकर पता लगा कि वो चोर कौन है और जो भी चोर है उसे बोरी में बंद करके मेरे सामने लेकर आओ। इतना सिंपल सा काम? मुझे लगा कोई बड़ा काम होगा जो तुमसे नहीं हो रहा है। खैर, मैं अभी चोर को पकड़ कर लाता हूँ बॉस। ये लो। इतने सारे चोर कहाँ से आ गए? हमें तो सिर्फ एक ही चोर चाहिए था। तो इनमें से ढूंढ लो कौन सा चोर तुम्हें चाहिए। मैं तो उन सब लोगों को पकड़ लाया जिन्होंने भी अपनी सारी जिंदगी में कभी ना कभी चोरी की है। उफ़, तुम भी ना जिंटू, खुद को सुपर दिखाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा स्मार्ट हो जाते हो। भेजो इन सबको, वापस भेजो। और तुम रहने दो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा चोर को। हाँ? हाँ? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? ये क्या? मैं कहाँ हूँ? कहाँ फंस गया मैं?
जंगल में किसी शिकारी के जाल में तो नहीं फंस गया हूँ? मुझे मैं सांस क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। अब इस बोरी में कौन है? खोलो इसे। तुम बोरी में क्या कर रहे हो? इसका मतलब तुमने भी कभी ना कभी चोरी की है। वो सॉरी, मैंने एक दो बार दूसरों के खेतों से चुरा कर एक दो गाजर खाई थी, कभी तो खाई थी। हाँ सॉरी वीर, रियली सॉरी, अब कभी नहीं करूँगा पक्का। ओके, कभी भी चोरी मत करना, चोरी करना बुरी बात है, फिर चाहे वो एक पैसे की चोरी हो या एक गाजर की। जब बंटी के दिमाग की घंटी बजती है ना, तो ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट आइडियाज आते हैं कि पूछो ही मत। तो पूछ कौन रहा है भाई? इसीलिए पहले ही बोल रहा हूँ कि पूछो मत, मैं खुद ही बता देता हूँ। जैसे ही चोर अंदर आएगा, दरवाजा खोलेगा, तो गेट के हिलते ही ये कलश से भरी हुई बाल्टी उसके ऊपर गिर जाएगी और वो पकड़ा जाएगा, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा और वो सामने रखी हुई आटे की बोरी से टकरा जाएगा और फिर सारा का सारा आटा उसके ऊपर गिर जाएगा। है ना इंटेलिजेंट आइडिया? मुझे तो अभी से सोच सोच कर हंसी आ रही है कि उस बेचारे चोर की उस टाइम पर क्या हालत होगी। इसे मैं यहाँ रख देता हूँ। जिंटू, इस कैम के एग्जैक्ट 20 कॉपीज बना दो और हर क्लास में लगा दो। ओके बॉस, अभी लो। काम हो गया बॉस, सब कॉपीज लग गई। लेकिन कैमरास नहीं लगे, मैंने तुम्हें कैमरास बनाने को कहा था, कैमरा की ड्राइंग नहीं, और तुमने जेरॉक्स कॉपी बना के दिखा दिया। मुझे 20 सीसीटीवी कैमरा चाहिए, समझे तुम? सॉरी बॉस, लो लगा दिए। थैंक यू। ठीक है, मैं असेंबली के लिए जा रहा हूँ। ये बंटी का बच्चा यहाँ कर क्या रहा है? खाना पीना जहाँ जहाँ, जिंटू भैया वहाँ वहाँ। चलो जिंटू भैया, पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। ये क्या? क्या कर रहे हो? सारे टिफिन नीचे रखो। ओके बॉस। अरे पकड़ो, यही है वो चोर, आज पकड़ में आया है ये। चलो इसे सर के पास लेके जाते हैं। मैं चोर नहीं हूँ। चलो इसको प्रिंसिपल के पास ले जाते हैं। चलो चलो। मारो इसे, छोड़ ना, मार, आज इसे मारो, मारो। अरे तुम तो क्या कर रहे हो? मैं ही तो बंटी हूँ और मुझे ही चोर समझकर मार रहे हो? अरे ये तो बंटी की आवाज है, छोड़ दो इसको, छोड़ो। सॉरी बंटी, मैं कब से बोल रहा हूँ कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, और तुम लोगों के मानते ही नहीं हो। भूत है, बंटी लगता है पागल हो गया, वही चोरी कर रहा है। सॉरी सॉरी बंटिया। ये क्या? अरे अरे, इसको क्या हुआ है? धाएं से गोली की तरह भाग रहा है, पर कैसे भैया? इंसान है या शैतान? रुको, मैं बता दूं कि मैं कौन हूँ। Oh!
अरे बबुआ कितना भी तेज भाग लो लेकिन हमें नहीं पकड़ पाओगे। वो क्या कहते हैं, हमको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मुमकिन करना मेरा काम भी है और मेरी आदत भी। अरे भाई लेकिन तुम हो कौन? वैसे तो हम आपके कुछ नहीं लगते, नाम है वीर। जिंटू इसे बहुत कुछ पता चल गया है, इसकी याद भुला दो। अगड़म बगड़म आलम फालम या तुम्हारी खो जाए, मुर्गी जैसे बोल तू बोले या तुझे ना कुछ आए। कुकड़ुकू कुकड़ुकू कुकड़ुकू। सर ये रहा आपका चोर, इसके पास से चोरी का सब सामान मिलेगा, ले जाइए इसे। रामू तुम चोरी करोगे? यकीन नहीं हो रहा। कुकड़ुकू कुकड़ुकू कुकड़ुकू। वाह वीर, तुमने तो एक इम्पॉसिबल काम कर दिया। बहुत बढ़िया। सर अगर दिल से कोई काम करना चाहो तो हर काम पॉसिबल है।